नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। कल हम आजादी की 68वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नेता लगता है ये भूल चुके हैं कि हमारा देश आजाद है। आज भी ऐसे ऐसे बयान देकर के देश के लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे लगता है कि विघटन की राजनीति में उनका ज्यादा यकीन हो चुका है। एक समय था जब हमारे नेता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी के बाद जय जवान जय किसान जैसे नारे लगे, लेकिन आज के नेता सिर्फ जाति पात धर्म मजहब की राजनीति कर करके अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। क्या आज की तारीख में इस तरह के बयान को आप जायज ठहराते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र में यही तय करती है कि आखिर राज किसका होगा और नेता कितने दिनों तक राज कर सकते हैं। लेकिन जब नेता इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो उनकी मंशा होती है लोगों को साधने की होती है, चाहे जाति के आधार पर चाहे धर्म के आधार पर। लेकिन जब हम आज़ादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तो ऐसे में सोचना लाजमी हो जाता है कि क्या ऐसे नेता देश के लिए कलंक तो नहीं साबित हो रहे? क्योंकि हमें लगता है कि नेताओं को देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, न कि तोड़ने की बात करनी चाहिए। हम ऐसे मौके पर कई आपको ऐसे चीज़ें सुनाने की कोशिश करेंगे जो आज के समय में प्रासंगिक हैं, चाहे वो महात्मा गांधी का बयान हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात हो, चाहे फिर लता मंगेशकर का वो गीत ही क्यों ना हो जो अमर हो गया इस देश के लिए, जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासी दौर में क्या बयान दे करके अपने हितों को साधना ही सिर्फ देश हित है? आपने देखा किस तरीके से आज लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश में जो कुछ विकास हुआ उसमें 80% अगर किसी का योगदान है तो जवान और किसान का है। ये बात होती थी, लेकिन आज उन्होंने मुसलमान शब्द जोड़ा है। ऐसे में क्या किसान और मुसलमान की सियासत के सहारे ही देश की राजनीति आगे बढ़ेगी, या फिर पूरे देश को जोड़ करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? इस मसले पर हम चर्चा करें अपने खास मेहमानों से। पहले आपको हम परिचय करा दें, हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस समय। हमारे साथ स्टूडियो जुड़े हैं मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, जो रिटायर्ड हैं, विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिल चुका है। साथ ही लखनऊ से दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं और मोहम्मद साहिद साहब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और कुछ देर बाद हमारे साथ बीजेपी की नेता अनिला सिंह भी जुड़ेंगी। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देश के जो कर्णधार कहे जाते हैं, जिन्हें किसान का लाल कहा गया, वो लाल बहादुर शास्त्री क्या सोचते थे देश के बारे में, पहले उसको सुन लेते हैं। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेलजोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सकें। हमारी जनता में उत्साह और लगन है और हमारे लोग देश को मजबूत बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को हमेशा तैयार हैं, लेकिन कभी कभी वे घबरा भी जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे हमें बाद में दुख होता है। संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं। आपने देखा कि देश कैसे बलवान होता है, एक सोच थी इसमें लाल बहादुर शास्त्री की। लेकिन आज की तारीख में जब हम चर्चा करते हैं सदन में, जब हम सांप्रदायिकता को लेकर के मुखर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं ये देश सबका है, सभी जाति सभी धर्म का है। और ऐसे में जब विकास की बात होती है तो आज मुलायम सिंह का ये बयान कितना प्रासंगिक है कि 80% अगर इस देश का विकास हुआ तो उसमें सिर्फ किसान और मुसलमान है, तो आखिरकार सियासत क्या ऐसे ही चलेगी? हमारे साथ मेजर जनरल साहब हैं, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और उस समय दिया गया जब जिस समय देश सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था, आज की तारीख में जब ऐसे आप पॉलिटिकल बयान सुनते हैं तो एक जवान के तौर पर, एक किसान के तौर पर, क्योंकि आप किसान के भी पुत्र हैं, क्योंकि आप बिहार से निकल करके इस मुकाम तक आपने अपनी यात्रा पूरी की है, कैसा लगता है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, वो इस देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और तब जब ये बयान देते हैं कि जय किसान जय मुसलमान, एक रक्षा मंत्री जवान को भूल जाते हैं जब वो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो काफ़ी मुझे दुख होता है। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि सांप्रदायिकता और ये सब जो बोली है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब मानव धरती पे आया तो उस समय कोई जात नहीं था, कोई जात नहीं था जी। कुछ सालों के बाद कर्म के आधार पे जो कर्म करता था, जो व्यवसाय का काम करता था, वो व्यवसायी हो गया, बनिया हो गया, जो
पूजा कराते थे वो ब्राह्मण बन गए। सिन्हा साहब मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक लूँ, क्षमा चाहूंगा, मैं सीधे चलूंगा इस समय अपने टीम के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस समय स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कोऑपरेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, इट कॉल्स फॉर कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, इट कॉल्स फॉर टेकिंग ए रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी हार्ट एंड हैबिटेशन इन द लैंड। फेलो सिटीजन्स, द डिसाइसिव चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स इज टू एंड द कास्ट्स ऑफ पॉवर्टी। द फोकस ऑफ आवर पॉलिसीज नाउ हैज टू मूव फ्रॉम एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी टू एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। द डिफरेंस इज नॉट मियर सेमेंटिक्स, एलिविएशन इज अ प्रोसेस, एलिमिनेशन इज अ टाइम डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। इन लास्ट 6 decades द पॉवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइन फ्रॉम ओवर 60% टू लेस देन 30%। इवन देन नियरली 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी इज नॉट ए मियर स्टैटिस्टिक, पॉवर्टी हैज ए फेस व्हिच बिकम्स अनबियरेबल व्हेन इट स्कार्स द विसेज ऑफ ए चाइल्ड। द पुअर कैन नॉट एंड विल नॉट वेट फॉर येट अनदर जनरेशन टू सी द वेरी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर, एडुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बींग डिनाइड टू देम। द बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट पार्कोलेट डाउन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन द लास्ट डिकेड आवर इकोनॉमी ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ 7.6% पर ईयर, दो द ग्रोथ रेट वॉज सबड्यूड एट बिलो 5% ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। आई सेंस ए रिन्यूड विगर एंड ऑप्टिमिज्म इन द एयर, साइंस ऑफ रिवाइवल आर विजिबल। Our external sector has strengthened. Fiscal consolidation measures are beginning to show results. Notwithstanding occasional spurts, inflation has started moderating. However, food prices still remain a matter of serious concern. Record food grains production last year helped agriculture sector to grow at a healthy 4.7%. Employment has increased by an average of about 4% per year in the last decade. Manufacturing sector is on the rebound. The stage is now set for our economy to move on a high growth trajectory of 7-8%, which is essential to ensure the availability of adequate resources for equitable development. Fellow citizens, economy is the material part of development. Education is the essential part of it. A sound education system is the bedrock of an enlightened society. It is the bounden duty of our educational institutions to provide quality education and inculcate the core civilizational values of love for motherland, compassion for all, tolerance for pluralism, respect for women, performance of duty, honesty in life, self-restraint in conduct, responsibility in action, and discipline in young minds. By the end of the 12th five-year plan, we would have achieved a literacy rate of 80%. But would we be able to say that we have provided quality education and skills to our children to be good citizens and successful professionals? Fellow citizens, our thoughts are influenced by our environment. Yadrishi bhavana yasya siddhir bhavati tadrishi. It means whatever are one's thoughts, so will be the outcomes. Clean environment breeds clean thoughts. Cleanliness is a mark of self-respect.
ancient travelers like Megasthenes in the 4th century BC, Phaeon in the 5th century AD, and Huangshang in the 7th century AD, when they came to India, have written about the efficient administrative systems with planned settlements and good urban infrastructure. What has gone wrong with us now? Why can't we keep our environment free of filth? The Prime Minister's call to honor the memory of Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary by making India a clean country by 2019 is commendable. But it can be achieved only if each Indian converts this into a national mission. आप सुन रहे थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कई बिंदुओं को टच करने की कोशिश की है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था और कड़ी की जानी चाहिए, गरीबी को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा पहले गरीबी की जो रेखा थी उसमें 60% लोग आया करते थे, लेकिन वो घट के 30% हुई है। लेकिन भारत में आज भी गरीबी है, आंकड़ों की बाजीगरी चाहे जो कहती हो, लेकिन सरकार की नीयत कम से कम इस तरफ संकेत कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को जाहिर करता है। साथ ही गरीबी को खत्म करने का जो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर लेने की बात की वो सामने है। विकास के लिए उन्होंने खासतौर पर कहा कि रचनात्मक काम करने की जरूरत है। महंगाई को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, रोजगार को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, शिक्षा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा, नव निर्माण के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। स्पष्ट कहा जाए तो राष्ट्रीय एकता से लेकर के घरेलू जो समस्याएं हैं और साथ ही इंटरनेशनल समस्याओं को फोकस करता हो राष्ट्रपति का यह राष्ट्र के नाम संदेश। सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, आखिरकार उनकी सोच क्या है जिस तरीके से देश हमारा आगे बढ़ रहा है। हम सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, जिस चीज को आपने सुना चलते चलते, क्योंकि बीच में ही राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश शुरू हुआ, इसमें कई बिंदुओं को उन्होंने टच करने की कोशिश की है। सीधे तौर पर उनका फोकस है राष्ट्रीय एकता बरकरार रहे, जो देश की समस्याएं हैं उससे कैसे निजात पाई जा सके, गरीबी हो, महंगाई हो, चाहे वो आतंकवाद हो। लेकिन इसी मौके पर जो चर्चा का हमारा मुख्य बिंदु था, आज भी हमारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं जात या धर्म की जो सियासत करते हैं, क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? देखिए विनय जी, बड़ी ही सार्थक और सारगर्भित चर्चा आप लाए यहां पर। सच्चाई ये है कि एक नई सोच के साथ ही पुरानी जो परिपाटी है और पुरानी जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। और जो चीज़ राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं राष्ट्रपति जी के वचन में और राष्ट्रपति जी के कहने में हमें कहीं पर भी कोई भी अविश्वास नहीं है, उनके कहने में हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मत है कि पिछले 2-2.5 महीने से जो सरकार आई है यहाँ पर, जिस तरीके से उसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है वो चिंतनीय है। ये लोग गुफ्तार के गाजी तो बहुत बने हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पता नहीं क्या क्या बातें करते जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे नारे देते जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मेरी इन सारी बातों का मतलब मुलायम सिंह जी की जो बात है उसको कतई समर्थन करना नहीं है, बहुत स्पष्ट बता दूं। उन्होंने किस प्रभाव में कही, किस बात में कही, जय जवान जय किसान और जय मुसलमान तो जय विज्ञान भी होना चाहिए, ये सारी चीजें खाली मुसलमान की जय क्यों हो, नहीं फिर सारे धर्मों की जय हिंदुस्तान भी होना चाहिए। कहां कोई दिक्कत वाली बात है? सबसे बड़ी बात है कि अगर जय हिंदुस्तान नहीं होगा और जय हिंदुस्तान होना चाहिए, जय भारत होना चाहिए, सबसे अहम चीज है। अगर जय हिंदुस्तान नहीं होगा तो किसी की जय नहीं हो सकती, सबकी पराजय। हम नहीं, हम सुरेंद्र राजपूत साहब, हम साहिद साहब के पास जाएं उससे पहले लोकसभा में, नहीं सुरेंद्र राजपूत साहब, हम मोहम्मद साहिद साहब के पास जाएं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं उससे पहले लोकसभा में। बात एक मिनट के लिए पूरी कर लूं मैं, मुलायम सिंह आप सुन लें, आप सुन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार पहले सुन लिया जाए कि मुलायम सिंह ने पूरा बोला क्या है लोकसभा के अंदर, उसके बाद चर्चा में थोड़ा और बल आ जाएगा। तो मुलायम सिंह यादव ने आज लोकसभा में बोला क्या है, पहले इसको सुन लेते हैं। तो आपके उत्तर प्रदेश में 1% से ज़्यादा पुलिस में भर्ती नहीं थी मुसलमानों की, अब खुल के बोल रहा हूँ। और क्या कहते थे, सीना है ही नहीं इनका चोड़ा। और हम जब मुख्यमंत्री बने तो वो आ गए 11%, तो जैसे ही हम आए तो सीना चोड़ा हो गया उनका।
और जब तक ये रहे तब तक सीना पतला था थोड़े। ये बीच में कुछ तकनीकी खामी आ गई है, लेकिन दोबारा सुनाने की कोशिश करेंगे पूरा बयान। लेकिन आधा बयान जो आया है वो भी कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। मुलायम सिंह यादव जी ये कहते हैं कि जब तक दूसरे की सरकार थी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनका सीना चौड़ा नहीं हुआ करता था और शायद वो फिजिकल में छट जाया करते थे, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार है उनका सीना चौड़ा हो गया और भर्ती 11% पहुंच गई। मोहम्मद साई साहब, क्या जाति और धर्म के आधार पर ही देश को हम लेकर आगे बढ़ेंगे? मैं आपको विनय भाई, थोड़ा सा जो जनरल साहब ने भी पहले कहा था जी, नेताजी ने ये नहीं कहा कि जय मुलायम जय मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की में, हिंदुस्तान की तरक्की में सबका साथ है, उसमें मुसलमानों को कभी उसमें सहयोग है, किसी से कोई किसी से कम नहीं है, जितने भी इसमें कहां आपत्ति है, सबका बहुत अच्छी बात है। तो एक दूसरी चीज ये है कि उनका कहना यह है, लोकसभा के अंदर उन्होंने आज इतना मार्मिक भाषण किया है देश में, ये देश के लिए बहुत पॉलिटिशियन लोगों के लिए सीख है। आप ये बताइए कि दबे कुचले अल्पसंख्यक, मैं अल्पसंख्यक नहीं मानता हूं अपने आप को, मैं इस देश का नागरिक अपने आप को मानता हूं, क्योंकि जितनी आपको सुविधा मिलती है उतनी मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं देश का नागरिक हूं, तो इसलिए मैं अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानता हूं जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम दबे कुचले लोगों की बात लोकसभा में उठा के उनकी तरक्की की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनको सर ऊंचा करने के चलने के लिए बात करते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक मैं देख रहा था आपके चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले, एक बीजेपी के एक लोकसभा के सदस्य कहने लगे कि विदेश में लोग जब जाते हैं कि वहां हिंदू कहते हैं अपने आप को, कतई नहीं। ये पूरी तरह से मैं आपको बताऊं विनय भाई, ये लोगों के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी झूठ बोला और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन्होंने भी झूठ बोला, वहां कहा जाता है हिंदी। मैं भी गया हूँ इत्तेफाक से, मेरी भी किस्मत में रहा है जाना, वहां कहते हैं अल हिंदी, अरबी देशों में कहा जाता है अल हिंदी, कहा जाता है हिंदू नहीं कहा जाता, अल हिंदी, अल हिंदी। लोग गलत अफवाह फैलाते हैं इस तरह की बात करके, देश में क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मुसलमानों के ऊपर इतना भाषण क्यों हो रहा है, हमें तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा। एक दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बातों को लेकर इतने छोटी छोटी बातों को लेकर आप दंगे का रूप देते हैं। आप क्या देश की तरक्की दंगों से होगी? देश जब नहीं रहेगा, अभी आपने लाल बहादुर शास्त्री साहब का भाषण सुनाया, मैं उसको सुन के बड़ा खुद मेरे बाल रोए खड़े हो गए कि उन्होंने कहा कि देश के में सबको सद्भाव के साथ रहकर देश की तरक्की में हिस्सा बटाना चाहिए जी। ये सबसे बड़ी बात है, यही सोच होनी चाहिए। आप ये सोच हो गए, आप रोज हर बात पे मुसलमान, हर बात पे मुसलमान, हर बात पे हिंदू, हर बात पे मुसलमान, इससे देश नहीं चलेगा। देश में आपको, देश के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है देश की तरक्की के लिए, देश की रोजगारी बेरोजगारी खत्म करने के लिए, देश के विकास के लिए। मैं तो कहूंगा इस एनएसए को और देश के सारी पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुला के उसमें इस पे बात करनी चाहिए। इसमें क्या सुझाव हो कि आप अल्पसंख्यकों के ऊपर इतना अविश्वास क्यों कर रहे हैं जी? आप उनको ये कह के क्यों भड़काना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान कह के देश की तरक्की का रास्ता क्यों रोकना चाहते हैं? इसमें बैठ के बात होनी चाहिए, एक सलूशन निकलना चाहिए कि क्यों परेशानी है, क्या परेशानी है, कैसे इसका निदान हो, इस पर विचार होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, जो बात साहिद साहब कह रहे हैं सुनने बड़ी अच्छी है, लेकिन ये आपको ही पता है कि 89 के समय में जिस तरह से मंडल और कमंडल की सियासत हुई 90 के दशक में, सिर्फ उसको भी यही कहा गया कि मंडल इसलिए लाया गया कि वोट की सियासत को और मजबूत किया जाए, उस पर भारी करने के लिए कमंडल की सियासत की गई। कहने को हम सब कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, लेकिन जब भी पॉलिटिकल सियासत में हम उतरते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो से देश को देखते हैं, हर दल कहीं ना कहीं टिकट बांटता तो कास्ट इक्वेशन को देख करके, क्या उस बिरादरी का कितना वोट है, जब भाषण करता तो कहीं ना कहीं भूल जाता है। और खुद मुलायम सिंह यादव जी ने जो बयान दिया है लोकसभा में, वो सीधे तौर पर तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना है कि प्रदेश हो या देश हो, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने रूल किया। उन्होंने कहा जब उनकी सरकारें नहीं हुआ करती थी तो उनके सीने पतले हुआ करते, तो जैसे उनकी सरकार है सीना उनका चौड़ा हो गया। तो क्या पैमाना क्या था कि क्या मुलायम सिंह ने आते उनके सीने में हवा भर दी, या आप लोग के पैमाइश में कोई कमी थी, प्रॉब्लम थी कहां? नहीं, उनको रास्ता
विनय भाई मेरी बात देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं जी। उन्होंने अल्पसंख्यकों का रास्ता दिखाया, विकास का रास्ता दिखाया और तरक्की में जुड़ने का रास्ता दिखाया, इसलिए उनका सीना चौड़ा होता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ सुरेंद्र भाई बात बताएं। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ा पुराना सा शेर है कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, और कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ जी। फैक्ट ये है कि इनकी जो कथनी और करनी में जो फर्क है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य कोई पार्टी हो, कहीं ना कहीं कथनी करनी में जो फर्क आया ना विनय साहब जी, वो उसी ने तो आम मतदाता को अलग किया इस राजनीतिक प्रक्रिया से, वरना 1980 के दशक तक तो आम आदमी राजनीति में अपने आप को इंटरेस्ट से जोड़ता था, और 1980 के बाद या 1985 के बाद आम आदमी ने अपने आप को विलग करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं राजनीति जो है खराब हुई, बद से बदतर हुई। उसके बाद पहले मंडल आया, मंडल के जवाब में कमंडल आया, जो इस समय पार्टी के नेता बोल रहे हैं सदन में, और जिस जिस दल की सरकार है जी। आप ये देखिए इन्हीं दोनों लोगों ने, और स्पेशली इनकी तो बात कम करें, मुलायम सिंह जी की तो बात, ये तो कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी रूप में अपने एक गैर सांप्रदायिक कमिटमेंट पे अभी तक अड़िग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे बताऊं कि जिन लोगों की सरकारें हैं, इन लोगों ने तो कमंडल का उपयोग, मंडल का उपयोग या किसी भी और चीज का उपयोग सिवाय सिर्फ और सिर्फ मतलब इवन श्री रामचंद्र जी का उपयोग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया। और जो मुलायम सिंह जी ने कहा ना कि हम आए तो सीना चौड़ा हो गया जी, निश्चित तौर पर सीना चौड़ा हो जाएगा। आज की डेट में देखें कि भारतीय जनता पार्टी और जिनकी यहां वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है, दोनों को ही देखिए, एक प्रशासनिक तंत्र की विफलता के नाम पर रोना रो रहा है और दूसरा 600 दंगे कराए दे रहा है, उत्तर प्रदेश को उबल नहीं रहा, उबाले दे रहा है। ये दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक निहित उद्देश्य के लिए, निहित स्वार्थ के लिए, सुरेंद्र राजपूत साहब आपने मुलायम सिंह यादव को जिम्मेवार हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब आपने मुलायम सिंह यादव जी को कहा है उस सेकुलर खाने में कम से कम है, लेकिन वो दिन शायद आप भूल जा रहे हैं कि कल्याण सिंह को अपने पाले में जब उन्होंने मिलाया था तो सिर्फ उसके पीछे कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स थी कि ओबीसी का वोट बैंक एक साथ केंद्रित हो जाए, लेकिन जो बयान आधा अधूरा रह गया था। मैं कहा विनय भाई इसके बाद भी कहा जी, लेकिन हम चाहते हैं जो बयान थोड़ा आधा अधूरा रह गया, जिसने पूरे देश के विकास के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने किसान और मुसलमान को 80% का श्रेय दिया है, वो बयान जरा पहले सुन लेते हैं। तो इसको हम कैसे वातावरण बनाएं, ये मिलकर चाहे नेता बैठे चाहे सदन में बहस हो रही, इसमें अपनी राय रख सकते, दोबारा कभी इस पर बहस कर सकते, इसको खत्म करना पड़ेगा, देश को मजबूत करना पड़ेगा। दोनों वर्गों ने मिलकर के देश को आजाद कराया है, देश के विकास किया है। जहां तक मानवता का सवाल है, देश के विकास में 80% अगर विकास किया किसी ने तो केवल किसान और मुसलमान ने, आप अध्ययन कर लीजिए, दो ने किया है। ये देखो बाबा क्या कर रहा है, बाबा को क्या हो गया, किसान नहीं आप, सफर क्यों नहीं, किसान और मुसलमान दस्तकारी का काम किसके हाथ में है, और पाता जी 80% दस्तकारी आज भी मुसलमानों के हाथ में है, दस्तकारी आज भी बताइए कपड़ा से पहने क्यों पहनते, उनका सला हुआ जेवर कौन बढ़िया बनाता है, उनसे नफरत करते हो और शादी में बहू बेटियों को बिस्तर उन्हीं का बनाया हुआ, ये सारे जेवर पहनाते हैं। आपने सुना मुलायम सिंह यादव को किस तरीके से उन्होंने कहा कि 80% लोग जो विकास हुआ 80% देश का, उसमें सिर्फ किसान और मुसलमान। जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो उन्होंने कहा तुम किसान नहीं हो, तो सवाल तो नेता इसे भी पूछा जाना चाहिए, क्या मुसलमान किसान नहीं है, क्यों सिर्फ पूरे देश के हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं होती है, और 80% का अगर क्रेडिट सिर्फ उनको देंगे तो फिर हमारा जवान कहाँ जाएगा जो बॉर्डर पर अपना खून पसीना सिर्फ इसलिए बहाता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश में बैठे बच्चे नौजवान बुजुर्ग महिलाएं सब इस आज़ादी की हवा में सांस ले सकें। लेकिन शायद सेना के बॉर्डर पर जो सैनिक है वो शायद वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी याद नहीं आती। सिन्हा साहब आपने पूरी कंप्लीट बाइट सुनी दोनों मसले पर, एक भर्ती को लेकर बयान और दूसरा 80% जो विकास का योगदान है वो मुसलमान और किसान, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई नेता ये कहते हैं कि 80% किसान और मुसलमान का योगदान रहा है देश के विकास में, तो मुझे दुख होता है। जब हम बात करते हैं तो जब जय बोलते हैं तो जय भारत का जय होना चाहिए, जय हिंदुस्तान का जय होना चाहिए। आप किसी ग्रुप को यदि टारगेट करके कहते हैं कि इन दोनों का खाली योगदान रहा है, तो जय जवान कहाँ गए, जय विज्ञान कहाँ गया, जय उद्योगपति कहाँ गया, जय डॉक्टर कहाँ गया, जय इंजीनियर कहाँ गया। तो इस भारत को समृद्ध देश बनाने में सभी का योगदान है। वो एक कार की तरह है, खाली आप बोलिए कि कार में इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक छोटा से छोटा नट बोल्ट भी इंपॉर्टेंट है। यदि टायर का नट यदि ढीला है तो एक्सीडेंट होगा और कस के हादसा होने की बात है जी। तो हम जब देश की बात करते हैं तो जब जय बोलते हैं तो पूरे भारत का जय बोलना चाहिए। और इस तरह से हम अपना राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि किसी ग्रुप को टारगेट करके उसकी शाबाशी और वाहवाही करते हैं तो ये देश के हित में नहीं है, बहुत दुख की बात है। चलिए, हमारे पास जो इस समय बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसलिए हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे चर्चा को आगे तो बढ़ाएंगे, साथ ही हम आजादी की पूर्व संध्या पर है, इसलिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं इसको भी सुनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरकार जाति धर्म की सियासत से देश को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज के नेताओं के बयान को लेकर कि आखिरकार क्या ऐसे नेता हमारे देश का भला करेंगे जो देश को सियासत के आधार पर देखते हैं, जाति और धर्म के आधार पर कहीं न कहीं उनका मूल्यांकन होता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि बीजेपी की जो नेता है अनिला सिंह जी वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे महात्मा गांधी के उस बयान के बाद जो उन्होंने अपने भाषणों के दौरान कही है, क्योंकि आज हम आजादी की पूर्व संध्या पर हैं, इसलिए हम तमाम उन विभूतियों उन बड़े नेताओं को हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सोच क्या थी, कम से कम हमारे नौजवान जाने कि आखिरकार जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनकी सोच क्या थी और आज के नेताओं की सोच क्या है। तो सुनते हैं महात्मा गांधी का एक बयान। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी, अगर कोई मुल्क को आजाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आजादी का के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर
अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूं ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुना जिनका सपना था कि हमारा देश अब आजाद हो रहा है तो पूरा दुनिया इसे सबक ले और सोचे कि अगर आजाद मुल्क बनना है तो हमें भारत जैसा बनना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जब हम ये सोचते हैं तो हमें याद आता है कि भ्रष्टाचार की चर्चा सबसे ज्यादा है, जातिवाद की चर्चा सबसे ज्यादा है, धर्म और संप्रदायवाद की चर्चा सबसे ज्यादा है। तो क्या गांधी का वो सपना जो देखे थे क्या पूरा हो पाया? ऐसे में राष्ट्रपिता अगर कुछ कह रहे हैं तो उस समय के मायने क्या थे, आज के मायने क्या है, और 68वीं वर्षगांठ जब हम मनाने जा रहे हैं तो फिर ये सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं कि हमें आजादी के बाद किस तरह के नेता मिले और उनकी सोच क्या थी कि देश को जाना कहाँ था और पहुंच कहाँ गया। अनिला सिंह जी, आप जुड़ रही हैं चर्चा में, आपको मैं बता दें कि जिस तरीके से आज सियासी दौर में चर्चा का वातावरण है उसमें हम बार बार कहते हैं कि ऐसे मौके पर जब देश हमारा आजादी की वर्षगांठ मना रहा हो हम पॉजिटिव बात करें, एक निर्णायक दौर की बात करें, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। खुद आज पूर्व संध्या पर जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि देश को कैसे आगे लेकर बढ़ना चाहिए, रोडमैप रखा सरकार की तरफ से उन्होंने। लेकिन जब इस तरह की बात होती है, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर सियासत की जाती है, क्या इस आधार पर हम देश को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल भी इस आधार पर देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे भारतवासियों को भी और सभी पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए जब तक कि वो मानवता की राह पर नहीं चलेंगे तब तक देश का विकास जो है वो सही रूप में नहीं हो सकता। ये वोट बैंक की जो राजनीति खेली जाती है, कभी किसी धर्म के नाम पर, कभी किसी धर्म के नाम पर, तो कभी किसी जाति के नाम पर, ये हमारे देश को जब दो कदम आगे जो ले जाता है, जो विकास होता है, इस वजह से वो चार कदम पीछे चला जाता है और एक मखौल का विषय बन जाता है पूरे विश्व में। तो हमें मानवता की राह पर ज़रूर चलना चाहिए, उसको जब तक आप आधार नहीं बनाएंगे तो विकास जो है किसी भी कोई भी मायने नहीं रखता है। मोहम्मद साहिद साहब, आपने कहा कि खास तौर से एक भारतीय होने पर आपको गर्व है और उसी में रहना चाहते हैं, आपको कोई अल्पसंख्यक की नज़र से देखे आपको ये गवारा नहीं है, लेकिन आपने खुद सुना नेताजी के बयान को, उन्होंने कहा कि 80% जो अगर विकास हुआ इस देश का उसमें किसान और मुसलमान, क्या ये बयान खुद अपने आप में आप जायज मानते हैं? बिने भाई, वो मैं उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है, जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री साहब का नारा था वो उससे उसको जोड़ना चाहते थे। क्या उसमें हुआ है ये मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैंने पूरा उनका भाषण नहीं सुना है। वो लाल बहादुर शास्त्री साहब के जो जय जवान जय किसान का नारा था उससे उसको जोड़ना चाहते थे कि किसान और नौजवान और हिंदुस्तान। भाई जब आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो नेताजी का ये कहना बिल्कुल सच ज़रूरी है कि भाई मुसलमान भी इस देश की तरक्की में सहयोगी है और था, है और रहेगा जी, उससे कहीं अलग नहीं है। वो कहना ये चाह रहे हैं विनय भाई। नहीं नहीं, देखिए साहिब साहब आपकी मजबूरी ये है कि आपको बचाऊंगा करना है। आपने देखा कि सिर्फ बात यही नहीं रुकी, हम आज की तारीख में जब बात करते हैं तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय के लिए सबसे प्रासंगिक नारा बुलंद किया था, फिर हमने जय विज्ञान उसमें जोड़ा। लेकिन जब हमको ये पता चला कि हमारे देश के लगभग 65% आबादी नौजवानों की, तो हमने जय नौजवान का भी नारा दिया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि अगर मुल्क आजाद हुआ और इसमें जितना भी विकास हुआ है इसमें सिर्फ 80% योगदान किसान और मुसलमान का है और उसकी व्याख्या में हम बताते भी हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्या क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, ये तो साफ जाहिर होता है। नहीं कतई नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं, ये उन लोगों के ऊपर एक जवाब है कि जो लोग ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं उनके ऊपर ये बात कही है कि आप उनके ऊपर अविश्वास क्यों करते हैं जब आप उनकी बनाई हुई चीजों पर, उनके बनाए हुए हर चीज पर, वो एक कारखानों में सब काम वो करते हैं, हर जगह वो काम करते हैं, तो उनके ऊपर अविश्वास क्यों? उनका कहने का तात्पर्य यह है विनय भाई, उसमें कहीं तरह से किसी तरह का राजनीति का एंगल ना देखा जाए, कोई भी उसमें राजनीति नहीं है ना किसी। मैंने आपको पहले भी चैनल में आपके जब बहस शुरुआत हुई मैंने कहा कि दबे कुचले अल्पसंख्यक, जिसमें मैं अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानता हूं, मैंने कहा ना, मैं पहले भी बता रहा हूं अभी भी कह रहा हूं, मैं इस देश का नागरिक अपने मानता हूं और हर मुसलमान ये देश का नागरिक है, वो नागरिक होने के अपनी जितनी भी मांगे दूसरों की है उतनी मांग उसकी भी है, उतना ही हक उसका भी है, मैंने ये बताया। वही नेताजी कहना चाहते हैं, उसमें अलग कोई मतभेद नहीं है किसी तरह का। वही सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि लीडर तो ऐसा होता है जो एक जुमला बोल दे पूरे देश में संदेश चला जाए, ऐसे जुमले का इस्तेमाल क्यों करना कि उसके पार्टी के लोगों को समझाना पड़े कि बोलना क्या चाहते थे और आप समझ क्या लिए? और आपको क्या लगता है जो ये पूरा बयान आया है
वो सहज मान लिया जाए, क्योंकि इसमें दलित का योगदान नहीं है देश के विकास में, इसमें नौजवानों का योगदान नहीं है, इसमें साइंटिस्टों का योगदान नहीं है, सिर्फ जो जुमला है उसी का इस्तेमाल है। हम उस सब जुमले को बार बार इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि हम आजादी। शाहिद भाई, अब शाहिद भाई अब हमको भी बोल लेने दीजिए। आप ये क्या मतलब है आप जो है लगातार, आप ये किस बात पे, आप अपने बारी पे आइए ना। किसान का मतलब देखिए विनय जी, ये शुद्ध रूप से मुलायम सिंह जी का राजनीतिक बयान है। संसद के माध्यम से वो देश को और देश के एक निश्चित वर्ग को समर्थन और अपना संदेश देने की बात करते हैं। मुझे छोटी सी बात बता दीजिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से अब तक जितना परेशान हूं उतना ही आज मुलायम सिंह जी ने भी मुझे निराश कर दिया। क्या नौजवान मुसलमान नहीं है जी? क्या किसान मुसलमान नहीं है? क्या साइंटिस्ट मुसलमान नहीं है? क्या क्या व्यापारी मुसलमान नहीं है? किस वर्ग में मुसलमान नहीं है जी? तो ये जाति की और धर्म की बात क्यों? बात जवान भी मुसलमान है, विज्ञान भी मुसलमान है, नौजवान भी मुसलमान है, तब उसके और किसान भी मुसलमान है जी? किसान के पास खेती नहीं है क्या? शाहिद भाई के पास क्या जमीनें नहीं है, बागात नहीं है? सब है। यहां के कण कण पर देश के हर नागरिक का समान अधिकार है। हर नागरिक को भारतीय कहने पे समान रूप से गर्व है। मैं अनिला सिंह जी की पार्टी का भी उतना ही विरोध करता हूं जब वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो मैं कहता हूं भारत में रहने वाला हर आदमी भारतीय है। क्यों आप धर्म से बांटना चाहते हैं? उसी तरीके से आज माननीय मुलायम सिंह जी ने भी निराश किया। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि नौजवान मुसलमान नहीं है, तो क्या सारे मुसलमान बूढ़े हो गए जी? नौजवान भी मुसलमान है, किसान भी मुसलमान है, विज्ञान भी मुसलमान है, आपका व्यापारी भी मुसलमान है। देश के कण कण में हर भारतीय रचा है, बसा है, रमा है जी। इस तरीके की बातें करना कतई उचित नहीं है दोनों पक्षों के लिए। सिन्हा साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने आप देखिए क्या क्या कह दिया जी इस चर्चा में। सिन्हा साहब, मैं आपको इसलिए जोड़ना चाहूंगा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, जवानी योगी के हाथ में माला है और रमा सैनिक का भाला है। कभी भी बॉर्डर पर, फील्ड में या फील्ड से बाहर भी, आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि आपके यूनिट में काम करने वाला व्यक्ति किस जाति और किस धर्म का है? जिससे कि सियासत आप आफ्टर रिटायरमेंट देख रहे हैं, जब आप घर लौटे अपने वतन में लौट रहे हैं, खासतौर से बॉर्डर को छोड़कर फौज से बाहर निकले हैं? देखिए, आपसे बहुत सच मैं बोलूंगा कि जब मैं फौज में था तो बिहार के बहुत अफसरों के साथ हमारा संपर्क था और हम लोग मिलते थे। और ये सच है कि जब मेरे बेटे की शादी की बात हुई तब मुझे पता चला कि किसका कौन जात था। हम लोग फौज में जात की चर्चा नहीं करते। जब हम रणभूमि में जाते हैं तो हम नहीं पूछते, जब अटैक के लिए जाते हैं तो हम नहीं पूछते कि मेरे बाएं कौन यादव है, दाहिने मुसलमान भाई हैं, आगे पीछे राजपूत है। हम कोई जात की बात ही नहीं करते, हम एज ए यूनिट लड़ते हैं। तो देश, जब हम रणभूमि में जब हम जाति की बात नहीं करते तो कर्म भूमि में, देश के विकास की भूमि में हम जाति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जाति की बात करके हम देश को विभाजित करते हैं और पांच उंगलियों को हम लोग अलग अलग करते हैं। हम लोग राजनीति, अपना वोट बैंक की राजनीति में इस तरह का खेल क्यों खेलते हैं जी? कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत देश को कमजोर करती है। अनिला सिंह जी, जब बात आई थी जिस समय आप लोग मंडल की राजनीति, मंडल की राजनीति किया करते थे, मंडल के ऊपर, उसमें भी कहा गया कि आप देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वोट को पोलराइजेशन के दौर पर ले जा रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जिस तक सियासत हुई उसकी चर्चा मैं आज एकदम नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम आजादी की पूर्व संध्या पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान आते हैं तो देश तो कमजोर होता है, चर्चा होगी, क्योंकि बड़े नेता जब कुछ बोलते हैं उस पर हम भी चर्चा करते हैं। कल के डेट में कहा जा सकता है मीडिया इस पर चर्चा ही क्यों करता है, हमारा काम है आईना दिखाना, क्योंकि मीडिया एक कस्टम के तौर पे वही दिखाता है जो सामने होता है। परिस्थितियां ये हैं कि आज की तारीख में अगर इतने बड़े बड़े लीडर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देश क्या एकजुट होकर आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि कईयों के रोल मॉडल हैं। बिल्कुल विनय जी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं, जो हमारे माननीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से शाहिद जी, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि जो पहली आज़ादी की जंग जो कहलाई जाती है, जिसकी जन्मभूमि मेरठ थी, जब वो शुरुआत हुई थी तो क्या उसमें किसान ने हिस्सा नहीं लिया? क्या उसमें मुसलमान ने हिस्सा नहीं लिया? क्या उसमें हिंदू ने हिस्सा नहीं लिया? सबके मन में एक ही चीज़ थी कि किस तरीके से हम अपने देश को आज़ाद करें, ब्रिटिशर्स को भगाएं और हम अपना देश उनसे वापस लें।
वहां वो ये नहीं बटे हुए थे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ये जवान है कि ये किसान है, सब एकजुट होकर आगे बढ़े थे। और आज की तारीख में जब एक बड़ा नेता इस प्रकार का बयान देता है तो सामने ब्लैक बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ नजर आता है कि उसके मन में क्या है। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि मैं खुद माननीय मुलायम सिंह जी, अनिला सिंह जी, आप मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जब आप उपदेश दीजिए, जब आप बोल रहे थे सुरेंद्र जी, मैं बीच में नहीं बोली थी, ये कोई ओपन डिबेट नहीं हो रही है। इतना मैं ओपन डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ पे हम झगड़ा करने नहीं बैठे हुए हैं। एक जो बयानात आया है उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ। डिबेट करने बैठ जाऊंगी तो कांग्रेस की दस फिर बात भटक। देखिए, हम बात कर रहे थे, अगर बात हो रही है अल्पसंख्यक समुदाय, किसी को ये शायद बच्चा जानता है, बड़े भी जानते हैं कि वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता, एपीजे अब्दुल कलाम को कोई नहीं भूल सकता। जब हम भारत पाकिस्तान ज्वाइंट की बात करते हैं तो श्रीमान गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन सियासत के लिए जब कभी इस तरह के जुमले का इस्तेमाल होता है तो तकलीफ होती है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले वल्लभ भाई पटेल, उनके एक बयान को हम सुनवाने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या सोच थी, वो किस तरह की बातें समाज के सामने रखा करते थे। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग सबको हिलमिल के भाई भाई की तरह के रहना और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है, हम सब एक बाप के, एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है। हमने इस चर्चा के दौरान आपको महात्मा गांधी को सुनवाया, सरदार पटेल को सुनवाया, लाल बहादुर शास्त्री को सुनवाया। तीनों के जो अल्फाज हैं कहीं ना कहीं देश को बांधने की बात करते हैं, एक साथ देश कैसे आगे बढ़े उसकी बात करते हैं। खुद सरदार पटेल, जिस तरह उन्होंने कहा कोई खुदा के औलाद है तो कोई ईश्वर की प्रजा है, लेकिन आज की अगर राजनीति की हम बात करें तो अगर सांप्रदायिकता पर संसद में चर्चा होती है तो उसमें भी बात इसलिए नहीं होती सांप्रदायिकता कैसे खत्म की जाए, कैसे दंगे खत्म किए जाए, कैसे कड़ाई से निपटा जाए, उसमें भी पॉलिटिक्स इस बात की होती है कैसे इसको हिंदू मुस्लिम में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां से की जाए। क्योंकि आज भी आपने देखा जब मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया तो उस पर योगी आदित्यनाथ ने जैसे ऑब्जेक्शन रेज किया, नेताजी ने क्या कहा, बाबा तुम क्यों बोल रहे हो। जैसे सबको पता है कि लोकसभा की कार्रवाई गांव गांव का आदमी देखता है, वहां से बोला गया एक एक जुमला गांव तक संदेश पहुंचाता है। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय को है कि हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपने पूरी बातें सुनी और खासतौर से सरदार पटेल जिनको कहा था लौह पुरुष, उन्होंने पूरे देश को एक धागे में बांधने की कोशिश की थी, उनका भी बयान आपने सुना, क्या कहेंगे आज? अगर उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चले तो इस देश में समस्या ही ना हो। अब आप देखिए, बड़ी छोटी सी बात कह देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, कहते हैं कि साहब अरब देशों में तो सारे मुसलमानों को कहा जाता है हिंदू, जबकि आराम से वो कहते हैं अल हिंदी जी। इंदिरा जी भी एक नारा लगवाती थी कि हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम, हिंदी होने में किसी को प्रॉब्लम नहीं जी, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल का ही शेर था ना, नारा इंदिरा जी लगवा दी थी शाहिद भाई, आप क्यों उस चीज को बहुत छोटेपन में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। और इंदिरा जी जो है हमेशा ये नारा लगवाती थी और इन लोगों ने कितनी चतुराई से बड़ी ई की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा कर दिया जी। मसला यहाँ पर इन सब लोगों का, इकबाल के उस शेर से मैं बात अपनी वो करूंगा कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है,
गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ये सब लोग गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार का गाजी बनना चाहिए। देश ने इनको इस समय एक बहुमत दिया है, तो इस वक्त ये बहुमत की बात करें, जिम्मेवारी की बात करें, जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है मोहम्मद साहब, जिम्मेवार पार्टी, मुझे लगता है देश का लाल होता है ना, उसे हमेशा देश दिखाई देता है। आपको याद होगा अंतरिक्ष पे जब राकेश शर्मा गए थे और जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि ऊपर से भारत आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज की तारीख में इस हिंदुस्तान को कैसे विघटन की तरफ ले जाया जाए, कैसे कास्ट में तोड़ करके अपनी सियासी रोटी सेक ली जाए, अगर इस तरह की सियासत होगी तो शायद सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा सिर्फ गाने में रह जाएगा, हमारा सारा जहां सच्चा हिंदुस्तान नहीं बन सकता। नहीं नहीं विनय भाई, थोड़ा सा मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाऊं जी। ऐसा नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, और उसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं आएगा। हिंदुस्तान हमेशा अच्छा रहा है, अच्छा था, अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। ये इस तरह के लोग आते और जाते रहते हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स वाले बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, वो आप ये ऐसे आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लग रहा कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम उन तक जाने की सियासत की हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे हमारे देश के, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात को रखी देश को एक करने में। लेकिन अब सियासत की बात होगी। जब बात होती है जय जवान जय किसान की, तो एक नारा याद आता है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री की छवि नजर आती है। लेकिन इसी नारे को लेकर के चुनावी अभियान पर निकले नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कांग्रेस पर पलटवार किया था, वो जुमला भी देखिए, खासतौर से नरेंद्र मोदी का अंदाज। और ये पुराना बयान है, फाइल फुटेज के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, चुनावी अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान, जो लाल बहादुर के शास्त्री के भाषण को से कोट किया गया है, सुन लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था। देश जवान पर गर्व करता है, देश किसान पर गर्व करता है, देश का जवान राष्ट्र की रक्षा करता है, देश का किसान अन्न सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जवान और किसान ये कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है क्या भाइयों? कोई कह सकता है? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दिल्ली की सरकार, इतना छोटा पाकिस्तान, हमारे देश के जवानों के सर काट करके ले जा रहा है। देश के जवानों को मार दिया जा रहा है। सेना का जवान अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किस मुंह से जय जवान के नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनाने के पीछे सिर्फ मंशा इतनी थी, कल जब लाल किले से नरेंद्र मोदी बोलेंगे उस समय कितना उनको नौजवान याद आएगा, कितना किसान याद आएगा और कितना पाकिस्तान याद आएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे सैनिकों के सर कलम कर लिए जाओ, इतना सा पाकिस्तान। लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद जब अभी परसों गए थे जम्मू के दौरे पे, तब उन्होंने एक अल्फाज कम से कम कहा कि जिस तरीके से छद्म युद्ध कर रहा पाकिस्तान, कम से कम उस पर थोड़ी सख्ती दिखाई। लेकिन कल लाल किले पर पूरे देश की नज़र होगी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए किस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं, किसान के लिए किस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं और अपने नौजवानों के लिए क्या बोलते हैं। सिन्हा साहब, जिस तरह की बात आपने सुनी, तीन ऐसे नेता जो हमारे लिए आज़ादी की लक्ष्मण रेखा खींच कर गए और एक वो नेता जो आज के देश में मुल्क का प्रधानमंत्री है, क्या कहेंगे? देखिए विनय जी, मेरी ये सोच है कि जब इस तरह का मैं इतने परिपक्व और पुराने नेता से ऐसा वक्तव्य सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। और इशारा बहुत साफ है कि ये वोट बैंक की राजनीति है।
अपना पराठा सेकने का ये प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, सोसाइटी को बांटो और राज करो जी, और वही रूल को फॉलो करके ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज हैं जी, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसकी उस समय कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत थी, धीरे धीरे कांग्रेस सरकार कमजोर होती गई और क्षेत्रीय रीजनल पार्टी ऊपर आए, उनका जन्म हुआ जी। और पूरे क्षेत्रीय रीजनल पार्टी स्पेशली बिहार यूपी में उनका मंशा यही रहा है, उनका अप्रोच रहा है कि जाति की राजनीति करो, देश का हित हो या न हो, ये बहुत दुख की बात है। मोहम्मद साहिद साहब, अंतिम रिमार्क आपसे भी जानना चाहूंगा, कुछ समय कमी है, आपसे समझना चाहूंगा कि अब कल जिस तरह से हम आजादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तमाम तरह के नेता आते हैं, किसी कोई विघटन की बात करता है, कोई जोड़ने की बात करता है, आपने भी कहा कि हमारा जो वतन है, जनरल साहब, जनरल साहब, नहीं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप चलते चलते क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे कम से कम एक मैसेज जाए देश के सामने कि हमारा देश हमेशा एकजुट रहेगा और एक साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो जातिवाद को लेकर उन्होंने वो लड़ा था चुनाव, उन्होंने कहा कि मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, देश में जब चुनाव लड़ा था उस पर भी कोई कमेंट करिए, उन्होंने जब चुनाव लड़ा था अभी दो महीने पहले तो उन्होंने कहा मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, उन्होंने ये भी कहा था। बैकवर्ड क्लास क्यों कहा था, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त देश के नेता थे, अब आज की तारीख में प्रधानमंत्री, उनके लिए सारी जातियां सारे धर्म एक हों, उनको एक बात करनी चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। जनरल साहब मैं आपको संबोधित करके बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, अगर बात करिए इसमें इसमें नहीं नहीं आप मैं सुन रहा हूँ शाहिद भाई, एक बात में से जोड़ दूं कि ये बातें इलेक्शन के दौरान की थी, उन्होंने अपने जात का जिक्र किया, कहीं ना कहीं इसके पीछे रहा होगा ओबीसी वोट बैंक को सेंट्रलाइज किया जाए, लेकिन जीत के बाद जब वो नेपाल दौरे पे तो वहां भी उन्होंने कहा कि चाय वाले का जब जिक्र आया तो हंस पड़े, बोले कि जब इस तरह का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस संदर्भ में यह वक्तव्य दिया था, अगर मुलायम सिंह जी नीचे से ऊपर तरक्की कर गए किस संदर्भ में दिया था, खुशी की बात है, देश के लिए बड़े गौरव की बात है जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस का एक नेता कहता है कि चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पिछड़े जाति का कैसे बन सकता है, उस संदर्भ में उन्होंने नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता किसने क्या कहा, आप समय की कमी है, हम सीधे चलेंगे अहिल्या सिंह जी, क्योंकि हम कल फिर बैठेंगे आप लोगों के साथ, आप सभी मेहमान कल फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। चलते चलते एक रिमार्क जानना चाहूंगा कि देश आजादी की जब वर्षगांठ मनाने जा रहा है तो हम क्या उम्मीद करें आज के नेताओं से। मैं तो एक ही लाइन कहूंगी, मेरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दो, जाति और धर्म पर बांटने वाले इन दरिंदों से जरा इसे दूर ही रहने दो। चलिए अपने तीनों खास मेहमानों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि समय के हमारे साथ कमी है, लोकतंत्र हमने समझने की कोशिश की कि एक नेता वो थे जिन्होंने देश को हमारे आजाद कराया, एक दिशा दी, लेकिन आज की तारीख में जो हमको नेता मिले हैं क्या वो देश को जोड़ने की बात करते हैं या कहीं ना कहीं सियासत इस बात की करते हैं, चाहे वो देश जाति में टूट जाए चाहे धर्म पे टूट जाए लेकिन उनका फायदा होता है।